हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू इंटीरियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत घंटों तक चार्ट के ऊपर बैठता रहा पर फिर भी कुछ भी नहीं मिला, यानी कि ना ही 1% का प्रॉफिट कमा नहीं पाए। यानी कि आपके साथ भी ऐसा एक हादसा हुआ होगा। आज मैं आपको लेकर आई हूँ स्कैल्पिंग टेक्निक्स, यानी कि स्कैल्पिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग किस तरह कमाया जा सकता है, यानी कि स्कैल्पिंग टेक्निक तो आपको मिनिमम टाइम में आपको यानी कि आसानी से आपको 3 से 5,000 यानी कि 3,000 से 5,000 तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज मैंने तीसरी स्कैल्पिंग टेक्निक से मैंने लिया है 2,400 का प्रॉफिट, पर कैसे किया है ये जानने के लिए वीडियो एंड तक वॉच करना होगा। तो मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में आपको इन्वाइट करी, किसी को डेमो चाहिए तो मेरा ये नंबर में आपको बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, तो और आपको सेम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में अरेंज करती हूँ। ओके, सातों साथ में आपको मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि मिनिमम आपको यानी कि ऑप्शन में किस तरह मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपको ऑप्शन में भी स्कैल्पिंग टेक्निक्स तो किस तरह कमाए जा सकते हैं वो भी आज की वीडियो में बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिलहाल ओपन किया है निफ्टी की चार्ट, निफ्टी की स्कैल्पिंग टेक्निक। स्कैल्पिंग टेक्निक के लिए हमको टाइम फ्रेम सेट करना होगा, हमको वन मिनट का टाइम फ्रेम हमेशा काम नहीं आने वाला है। हमारे उसमें टाइम लिमिट होता है, अप्रोक्सीमेट आपको 1 मिनट सेट करना है, लगभग आपको 11 बजे के पहले से और मार्केट क्लोजिंग यानी कि क्लोजिंग टाइम की 1 घंटे पहले, तो वही टाइमों में आप कीजिएगा। उसी टाइम में हर खंडे इसमें बैठना भी नहीं पड़ेगा, तो इसी टाइम में आपको आराम से यानी कि मार्केट फ्लक्चुएशन टाइम है तो आराम से आपको 1 मिनट के थ्रू बहुत अच्छी तरह प्रॉफिट कमा के आपको निकल सकते हैं। सिर्फ एक ही ट्रेड आपको काफ़ी है प्रॉफिट तक लेके जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप वॉच कीजिएगा, ये निफ्टी की इंडेक्स की चार्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये लाइव रेट यहाँ पे बदलते रहते हो, लाइव रेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर आप आ रहे हो बाय की सिग्नल, रेड कलर सेल की सिग्नल है। आज मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेट 2 सिग्नल दिया था, लगभग एक सेल भी दिया था, एक बाय भी दिया था। इसमें सेल में मार्केट नीचे गए थे, बाय कंफर्म नहीं था, क्योंकि कंफर्मेशन चेक करने के लिए मैंने हमेशा आपको बताए थे हमारी जो फिलहाल स्ट्रैटेजी आप देख रही हो बार चार्ट है। ये बार चार्ट में फायदा ये होता है तो इसमें साइड में इंडिफिकेशन आपको आराम से पता चलता है, एक्स्ट्रा कलर्स आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट रिवर्सल जा रहा है कि नीचे या ऊपर, कोई भी आपको यानी कि साइड में इंडिफिकेशन अच्छी तरह आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करेगा। कैंडल स्टिकते बहुत बेटर है ये बार चार्ट। ओके, तो आज मॉर्निंग में एक ही ट्रेंड निफ्टी में काफ़ी था आपको प्रॉफिट मिलने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी में मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेट सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर ने दिया था, हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से स्कैल्पिंग टेक्निक में आपको कन्फर्मेशन 4 लेवल कन्फर्मेशन देख लिया था, आपको वहाँ से पोर्शन ले सकते हैं। कैंडल कलर, वॉल्यूम बार, प्राइस एंड सेल जोन और साथ में सपोर्ट भी तोड़ना चाहिए। ओके, स्कैल्पिंग में वो होना चाहिए, स्कैल्पिंग में सपोर्ट तोड़ा है तब भी वहाँ से आप पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ पे गैप डाउन है तो भी आपको सपोर्ट तोड़ने के बिना आपको पोजीशन नहीं ले सकती। यहाँ पे देख सकते हो सेल सिग्नल आने के बाद कैंडल और नीचे सेल्स ऑन सब ओके यहाँ पे हो चुका था और पोजीशन हमने लिया था यहाँ पे, ये पोजीशन में लगभग अप्रोक्सीमेट 17,759 से लेकर मार्केट अप्रोक्सीमेट 17,715 तक गए थे। आराम से 40-45 पॉइंट्स हासिल करना बहुत आसान था मॉर्निंग से ही। तो और मार्केट जब थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कोशिश की, एक्सिट हमने यहाँ पे किया था क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन थोड़ा भी चेंज होने के लिए कोशिश कर देगा तो उसी पोजीशन में हम एक्सिट कर सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादा देर तक होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ पे बाय सिग्नल यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने लगेगा मार्केट यहाँ पे पोजीशन हमारे कट कर सकते हो उसी टाइम, लगभग जब उसी टाइम था अप्रोक्सीमेट यानी कि 9:30 बजे के पहले, तो मार्केट ने हम आसानी से यानी कि मॉर्निंग से ही मार्केट यानी कि प्रॉफिट लेकर हम निकल गए थे। ये पोजीशन में हमने एक्सिट किया था, ये पोजीशन में मार्केट थोड़ा ऊपर गए थे, लगभग उसी टाइम चल रहा था, लगभग 9:30 बजे के पहले से ही हमने प्रॉफिट कमाए थे। उसके बाद मार्केट अगेन फिर से यानी कि थोड़ा बीच में बाय दिए थे पर बाय कन्फर्म नहीं था और यहाँ पे देख सकते अगेन मार्केट फिर से नीचे गए थे ये पोजिशन में, क्योंकि उसी टाइम लगभग मार्केट अप्रोक्सीमेट यानी कि 10:14 हो चुके थे। सॉरी,
उसी टाइम हमने फिर से सेल पोजीशन ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे फिर से सपोर्ट यानी कि सपोर्ट लेवल तोड़ के लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जब बाई बिना कन्फर्म के नीचे जा रहा था ऑलरेडी सपोर्ट तोड़ के ही सिग्नल आए थे, तो इसके लिए जब सिग्नल आए थे उसी टाइम आप खुद ले सकते थे मार्केट की पोजीशन। वहाँ से अप्रोक्सीमेट 17761 से लेकर सीधा फिर नीचे 706, वहाँ से भी हमने अप्रोक्सीमेट 50 पॉइंट के ऊपर हमने कमाया। तो दोनों ट्रेड से आराम से, तो जब मार्केट यानी कि अप्रोक्सीमेट मार्केट सेल जब रिवर्स जाने के लिए कोशिश कर रहा था उसी टाइम मार्केट थोड़ा ऊपर यानी कि जब ओपन कांडा ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था तब ऑलरेडी मार्केट लगभग टाइम हो चुका था 11 बजे के मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के लिए कोशिश किया था, तो उसके पहले हमने दो ट्रेड लेकर एक्सिट भी किया है। ओके, तो उसी के अलावा तो उसी टाइम जब फ्यूचर की चार्ट में उसी टाइम देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट देख सकते हो लगभग मार्केट यानी कि 17,830 चल रहा था तब मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा है, तो हमने उसी टाइम इन द मनी का पोर्शन पुट ऑप्शन ले सकते थे 17,900 की। मैंने यहाँ पे चार्ट में लेके रखा है 17,900 की पुट, यहाँ पे देखिए उसी टाइम जब रेसिस्टेंस ब्रेक किया था जब पोजीशन उसी टाइम 180 चल रहा था और 180 से मैंने पोजीशन एक्सिट किया था अप्रोक्सीमेट 228 तक मार्केट गए थे सीधा ऊपर, यानी कि मॉर्निंग से ही प्रॉफिट काफ़ी है हमको यहाँ पे यानी कि एक्सिट करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाकर अगेन थोड़ा फिर से मार्केट ऊपर यानी कि अप्रोक्सीमेट 189 पे फिर से बाई दिया था और 189 से सीधा मार्केट यानी कि 233 तक गए थे, उतना मार्केट काफ़ी प्रॉफिट दिया है। ओके, उसी के अलावा आज की नेचुरल गैस की भी परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए फिलहाल जो लाइव चल रही नेचुरल गैस है तो आज गैप अप ओपन हुई थी, मार्केट अप्रोक्सीमेट लगभग रेजिस्टेंस ब्रेक किया था लगभग 10:30 बजे 205 से जब ब्रेकआउट दिए थे तो वहाँ से सीधा ऊपर 206 तक गए थे। कल की बाई की कंटिन्यूएशन गैप अप में दिया था तो उसके बाद गैप अप में हमेशा पोजिशन जल्दबाजी में हम ले नहीं सकते, तो जब ब्रेकआउट जब बनी थी अप्रोक्सीमेट उसी टाइम लगभग 10:30 हो चुके थे, 10:30 के 5 मिनट पहले जब दिया था, तो उसके बाद सेल ऑप्शन अप्रोक्सीमेट 12 बजे सेल भी दिए थे पर कंफर्म होकर जब सपोर्ट तोड़ दिए थे अप्रोक्सीमेट उसी टाइम लगभग 1:30 बज चुकी थी, लगभग 203 से ब्रेकआउट दिए थे अप्रोक्सीमेट 200 तक मार्केट पहुँच गए थे, यानी कि काफ़ी नीचे यानी कि 3-4 पॉइंट क्या डाउन मार्केट यहाँ पर मिला था और उसके बाद अभी फिलहाल थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही होगी। ओके, तो साथों साथ आज स्टॉक मोमेंट में देखूंगी तो मारुति का और भारती एयरटेल और साथ में यानी कि एसीसी का भी मॉर्निंग में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिला था और साथ में देखूंगी तो यानी कि लगभग और बजाज फिंस और फिनांस में भी बाई ट्रेंड मॉर्निंग में दिया गया, यानी कि काफ़ी अच्छी प्रॉफिट मॉर्निंग में मिली थी पर ये सब आप बजाज सीमेंट में देखिए तो मॉर्निंग से ही यानी कि इसमें बाई ट्रेंड मिला था और साथों साथ बजाज फिनांस फिनसर्व ये सब में यानी कि बाई ट्रेंड मिला था। बजाज फिनांस देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट देखोगे तो 2 दिनों से काफ़ी लगातार बाई में ही जा रही हूँ, होल्डिंग करूंगी तो आराम से आपको प्रॉफिट ले सकते थे, उतना बढ़िया ट्रेंड 2 दिनों से लगातार लगभग देखूँ 391 पॉइंट्स अप है, तो स्टॉक होल्डिंग करूंगी तो अप्रोक्सीमेट बजाज फिनांस 2 दिनों से कंटिन्यूसली होल्ड किया लोगों को मालम माल है उतना अच्छा प्रॉफिट यानी कि आज मिला है, ये सब मैंने जान लिया था। हमारे सॉफ्टवेयर क्या ना मॉर्निंग से ही मैं क्लाइंट को यानी कि क्लाइंट को सजेशन देती हूँ तो यहाँ पे ये सब मोमेंट में बढ़िया मिलेगा, तो ये सब जानकारी मुझे मिलते हैं मेरा स्कैनर थ्रू, तो ये स्कैनर आपको खुद ले सकते हो, परचेज करने का ऑप्शन हमारे वेबसाइट में डायरेक्ट लिखा है, नहीं तो मुझे कॉल कीजिए तो मैं गाइड करूँगी किस तरह यहाँ पे वो वर्क करना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।